शुभोदय, मेरा नाम एमएम अब्बास, हिंदी रिसोर्स पर्सन, केंद्रीय कार्यालय। मैं आपको जूनियर केंद्र परीक्षा पत्र के बारे में और उसका विवरण बताना चाहता हूँ। देखिए, कक्षा जूनियर केंद्र, विषय हिंदी, पाठ का नाम भक्ति पद। पहला रोमान, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर सूचना के अनुसार लिखिए। यहाँ पर तीन व्याकरण से संबंधित प्रश्न है, हर एक प्रश्न के लिए एक अंक है, कुल तीन अंक है। पहला प्रश्न, किरपा शब्द का तत्सम शब्द क्या है? किरपा यह शब्द है तद्भव शब्द, इसका तत्सम शब्द है कृपा। दूसरा प्रश्न, प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। प्रत्येक संधि देखिए, उत्तर प्रति प्लस एक, प्रत्येक। तीसरा, नौ दो ग्यारह होना, मुहावरा का अर्थ क्या है? नौ दो ग्यारह होना, भाग जाना, अदृश्य होना, भाग जाना या अदृश्य होना या गायब होना, जो भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा रोमन, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर लिखिए। यहाँ पर प्रश्न क्या है, मीराबाई का साहित्य परिचय दीजिए। मीराबाई का साहित्य परिचय, कवयित्री मीराबाई, जीवन का सन 1498, सन 1573, प्रसिद्ध रचना मीराबाई पदावली, उनकी भाषा, भाषा क्या है? राजस्थानी, खड़ी बोली, गुजराती, यह मिश्र ब्रज में रहने वाली ब्रज भाषा आदि। और इनकी विशेषता क्या है? कृष्णोपासक कवियों में श्रेष्ठ हैं, माधुर्य भाव में पटु हैं। इसका उत्तर आप देखिए यहाँ पर पृष्ठ संख्या 7 वॉल्यूम 2 में आप देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पर रैदास व मीरा की भक्ति भावना में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। रैदास व मीराबाई दोनों ही भक्ति काल के कवि हैं। रैदास निर्गुण भक्ति के ज्ञानमार्ग शाखा के कवि हैं और मीराबाई सगुण भक्ति शाखा की कवयित्री थी। दोनों की भक्ति कैसी है? दास्य भक्ति है। इसका उत्तर पृष्ठ संख्या 9 वॉल्यूम 2 में आप देख सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।